देखो जो लोग वेट करें एमएसआरपी का, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, वो दिक्कत वहां पे नहीं है। देखो जो जो बेंगलोर के अंदर की प्राइसिंग है ना आपकी, बेंगलोर में क्या चल रहा है प्राइस में, लाइक ग्राफिक कार्ड में, बट दिक्कत इस चीज के लिए है कि एमएसआरपी पे आने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो क्या ले दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं हूँ डिजिटल ओशन और भाई सुभाष भाई यहाँ पे। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं हूँ डिजिटल ओशन और भाई सुभाष भाई यहाँ पे है। तो कैसे हो सुभाष भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार मतलब वैसे तो जानते होगे, एक बार अपने बारे में बताइए और अपने स्टोर के बारे में बताइए। मेरा नाम है सुभाष और मेरे स्टोर का नाम है डिजिटल ओशन और जो मेरी वेबसाइट है उसका नाम है digitalpcshop.com। ठीक है गाइज, तो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइस, जो कि आप बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे थे और वो भी डिमांड कर रहे थे कि सुभाष भाई के पास में जाओ, डिजिटल ओशन में जाओ। तो आ गए, अभी मेरे को आप ये बताइए कि ग्राफिक कार्ड के जो प्राइस है उसका क्या मतलब सीन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है? देखो ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग जो है अभी पिछले एक और दो वीक में दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो गई। ठीक है, लास्ट टाइम आपने जैसे 3060 Ti 3070 Ti इनके प्राइस भी बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे, बट दोबारा से प्राइसिंग बढ़ रही है। ठीक है, नहीं बढ़ रही है मतलब कुछ ज्यादा, मतलब ये नहीं कह सकते जो 10-12 हजार रुपए, ऐसा नहीं है, बट ये 2500 से 3000 रुपए तक यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा आज के टाइम में। तो गाइस अभी हम प्राइस को कवर करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे 610 710 ये हो गए एंट्री लेवल हो गया, तो उनके एक बार मेरे को प्राइस देखो जो एंट्री लेवल के ग्राफिक लाइक 610 या फिर 710 2GB DDR3 के अंदर में, वो अभी आपको अप्रॉक्स 3000-3200 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मार्केट में, जो कि आपका टैक्स इंक्लूडेड होने वाला है इसके अंदर में। इसके अलावा इससे ऊपर जो ग्राफिक कार्ड लाइक 1030 है, ठीक है, या फिर 730 है, उनकी प्राइसिंग आपको 6500 से लेकर 7500 के बीच में देखने को मिल जाएगी। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे हमारा कोई सब्सक्राइबर आउट ऑफ डेली रहता है, तो उसे मतलब शिपिंग वगैरह हो जाती है यहाँ से अच्छी तरीके? देखो अभी बहुत से लोगों की डिमांड के ऊपर में हमारी वेबसाइट भी आ चुकी है digitalpcshop.com। आप वहां पे जाके आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए, लाइक आपको मदरबोर्ड चाहिए MSI ASUS GIGABYTE कोई भी मदरबोर्ड चाहिए, आपको कोई भी लिक्विड कूलर चाहिए, कोई भी ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और वहां पे पेमेंट में सभी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी अभी हमने नहीं रखा, क्योंकि एक्चुअली COD के अंदर में बहुत ज्यादा सीन चल रहा था और कुछ परसेंट एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है। ट्रस्टेड शॉप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो कोई भी चीज। प्राइसिंग मतलब कैसी होगी, जैसे आपकी वेबसाइट है और आपकी स्टोर है, तो उनपे प्राइस सेम रहेगी या मतलब क्या? नहीं देखो, प्राइजेस ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, लाइक 400-500 रुपए डिफरेंस मिलेगा ग्राफिक कार्ड में, वो भी हाई एंड ग्राफिक कार्ड में। ठीक है, बट जब आप उसको कंपेयर करते हो अदर वेबसाइट से, लाइक बहुत बड़े बड़े वेबसाइट है यहाँ पे, आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग आपको उनसे अच्छी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब सुभाष भाई की वेबसाइट भी आ चुकी है, तो अभी आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो सीधा ऑनलाइन। तो अभी हम जैसे यहाँ पे बात करें 1030 और 1050 उसके क्या प्राइस? देखो जो 1050 Ti है वो अभी आपको मिल जाएगा 17500 रुपए का, अगर आप लाइक बिल्ड में लेते हो इंडिविजुअल, वो भी अभी आपको 18000 रुपए का मिल जाएगा विद शिपिंग वो भी। okay, वैसे ब्रांड कौन कौन सी भी अवेलेबल है आपके पास? ब्रांड के अंदर में आपको अभी कलरफुल मिल जाएगा, इसके अलावा आपको आसूस भी मिल जाएगा, आसूस का ग्राफिक कार्ड है ये, ये आपको विद शिपिंग लाइक 18200 रुपीज के आसपास का ये मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट भी अभी अभी भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा सेम प्राइस में, सेम प्राइस के अंदर। तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें, इसके अलावा लाइक आपको 1650 चाहिए, वो आपको Ino3D MSI और GIGABYTE मिल जाएगा, और उसकी प्राइसिंग अभी आपको 20,000 से लेकर 22,000 के बीच में अलग अलग वेरियंट की वहाँ मिल जाएगी, आप वेबसाइट को जाकर चेकआउट कर सकते हो आप। और इसमें सुपर वेरियंट आता है? सुपर वाले में अभी कोई स्टॉक नहीं आता, उसके जगह पे मैं प्रीफर करूंगा कि अभी आप 3050 ले सकते हो। 3050 में आपको मेरे पास अभी कलरफुल मिल जाएगा, इसके अलावा आपको जोटेक मिल जाएगा, इसके अलावा आसूस का ROG स्ट्रिक्स भी मेरे पास अभी अवेलेबल है यहाँ पे, आप इस पे जा सकते हो। क्योंकि ना देखो वहाँ पे जो 1650 की सुपर का प्राइसेस है वो ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं है अभी भी, बट वो ग्राफिक कार्ड मार्केट में कहीं अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है सुभाष भाई, मतलब कुछ सब्सक्राइबर है जो कि अभी मेरे को मतलब कमेंट में आके बोल रहे हैं कि अभी MSRP पे आएंगे जब लेंगे हम, तो आप मतलब मेरे को एक बार ग्राफिक कार्ड के जो प्राइस है उसका ट्रेंड एक बार बता सकते? देखो जो लोग वेट करें MSRP का, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, वो दिक्कत वहां पे नहीं है, बट दिक्कत इस चीज के लिए है कि MSRP पे आने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों को बाय करना है, अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बताया था प्राइसिंग दोबारा से बढ़ेगी, और वैसा ही अभी भी हो रहा है, और आगे भी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग बढ़ने के ही चांसेस हैं। तो लाइक जिनको बिल्ड करना है वो ले सकते हैं, या फिर जो माइनिंग वाले हैं, क्योंकि वो तो लेंगे भाई, प्राइजेस चाहे नीचे हो ऊपर हो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ग्राफिक कार्ड चाहिए तो चाहिए। तो MSRP का वेट ना करें और ग्राफिक कार्ड जाके अभी आप बाइक कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग देखो मैं मानता हूँ अभी बढ़े हुए हैं, बट उतने भी नहीं बढ़े कि आप वहाँ पे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो 1660 सुपर आपका उसकी प्राइसिंग अप्रोक्स 50-60 के बीच पहुंच गई थी, वो आज भी आपको 32-33 के बीच मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करें जैसे 1660 और 1660 Ti और सुपर के बारे में। देखो 1660 सुपर 1660 Ti आपको दोनों सेम प्राइस मिलेगा, 32,200 रुपीज का आपको मिल जाएगा ये दोनों सेम प्राइस। हाँ दोनों सेम प्राइस के अंदर। इनमें से कौन सा बेस्ट होगा? सुपर बेस्ट है।
ठीक है। आप इसमें अभी आपको अगर आप मेरी वेबसाइट से परचेज करते हो तो आपको 32,200 रुपीज में विद शिपिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जोटे का 16-60 सुपर कुछ स्टॉक यहाँ पे, बाकी स्टॉक मेरे पास अंदर भी है स्टॉक के अंदर, तो क्वांटिटी का कोई दिक्कत नहीं। आपको कितने पीस चाहिए, 5 पीस 10 पीस 100 पीस सब कुछ आपको मिल जाएगा। 100 पीस भी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें, जैसे 2060 हो गया तो उसके क्या प्राइस है? देखो 2060 में मेरे पास अभी दो वेरिएंट है यहाँ पे, एक 6GB वाला है, एक आपको 12GB वाला। 6GB वाला आपको मिल जाएगा 35,500 रुपीज का। इसके अलावा जो आपका 12GB वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 39,500 रुपीज का। दोनों मेरे पास रेडली अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वेरिएंट आते हैं किसमें? जो सुपर में उसमें मेरा अभी यहाँ पे गीगावाट मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 51,500 रुपीज का। 51,500। तो आपके ये प्राइस है मतलब फिक्स रहेगा, या कोई पीसी बिल्ड कराता है या मेरा कोई सब्सक्राइबर आता है तो उसको मतलब कुछ डिस्काउंट? देखो अगर कोई पीसी के अंदर लेता है आपको सेम ग्राफिक कार्ड जो है लाइक नॉर्मल जो प्राइसिंग मैंने आपको दी है इसमें आपको 1,000 से 1,500 रुपए तक का डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। और आपकी वेबसाइट पे भी मतलब सेम हो गई? हाँ, वेबसाइट पे भी सेम है। अभी वेबसाइट पे एक्चुअली मैं आपको बता दूं, वहाँ पे हमने कस्टम बिल्ड के ऑप्शन के ऊपर काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बट प्रीफिल्स अभी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग मेरे वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी है, तो डायरेक्टली मेरे पे आके आप व्हाट्सअप पे प्राइसिंग भी ले सकते हो और डायरेक्टली या फिर वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप की तो आपकी बहुत ज्यादा कंप्लेन आती है, आपने व्हाट्सएप बोल दिया, आप रिप्लाई नहीं करते हो ऐसा? नहीं, अभी एक्चुअली क्या था, वहाँ पे सिंगल नंबर था व्हाट्सएप के ऊपर में। अभी आप मल्टीपल नंबर हमने डाल दिए तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर भी, और उसके अलावा आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। बट टाइमिंग रहती है मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको कॉल करना सुन देना। 3060 के अंदर में भी मेरे पास आपको लाइक जोटेक मिल जाएगा, जोटेक आपको पड़ जाएगा 42,500 रुपीज का। इसके अलावा 3 फैन में किसी को चाहिए तो यहाँ पे आएगा मल्ट्रा से मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 44,000 रुपीज का। ठीक है, इसके अलावा 3060 के अंदर किसी आसुस का अपना टफ वाला वेरिएंट चाहिए लाइक ये वाला, ये भी आपको मिल जाएगा 45,500 रुपीज का। ओके, और गाइस मतलब जैसे 3060 है इसके प्राइस अभी मतलब बहुत ज्यादा सही हो चुके हैं, तो जैसे आप 3050 परचेज कर रहे हो तो इससे अच्छा तो आप मतलब वो ये 5-7 हज़ार रुपए और डाल के 3060 ले सकते हो। आप इसमें 3050 भी अभी आपको आज के टाइम में भी लाइक 34-35 के बीच में मिलता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के अंदर में। अगर आप 3 फैन में आते हो आपको और भी महंगा पड़ता है, उससे अच्छा तो ये उस प्राइस में आप थोड़ा सा और लाइक 3-4 हज़ार रुपए ऐड करके आप डायरेक्टली 3060 पे परचेज कर सकते हो, जो कि 12GB ग्राफिक कार्ड और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। तो अभी हम इसके TI वेरिएंट की अगर बात करें तो इसकी क्या प्राइस? जो इसमें आपका लाइक 3060 TI के अंदर में जोटेक आपको मिल जाएगा, अभी इसकी प्राइसिंग आ रही 54,000। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे लगा रखे बहुत सारे, ये तो लाइक नॉर्मल रेगुलर के यहाँ पे रखे थे, बट स्टॉक में मेरे पास अभी यहाँ पे आपको लाइक 60 यूनिट्स के आसपास मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, अभी हम यहाँ पे 3070 और 3070 TI के बारे में बात करते हैं, तो उनके क्या प्राइस चल रहे हैं अभी? देखो जो 3070 है वो अभी आपको मिल जाएगा लाइक 63,500 रुपीज का मिल जाएगा जोटेक का, और अलग अलग ब्रांड में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये डिफरेंस मिलेगा 3 फैन के अंदर में। जोटेक डुअल फैन आता है, बाकी अगर आप 3 फैन में लेते हो तो आपको गीगार्ड मिल जाएगा, इसके अलावा आसुस में भी मिल जाएगा। TI का वेरिएंट होगा? TI वाले मेरे पास अभी यहाँ पे आपको INO 3D मिल जाएगा, ये वाला, ये आपको 3 फैन में INO 3D मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 71,000 रुपीज का। ठीक है, और इसके अलावा किसी को अगर जोटेक चाहिए, जोटेक आपको मिल जाएगा अभी 73,000 रुपीज का। 73 का जोटेक मिलेगा। इसके अलावा और भी ब्रांड मेरे पास यहाँ पे लाइक किसी को आसुस का ROG चाहिए, ये आपको मिल जाएगा अभी 75,000 रुपीज का। 75 का मिल जाएगा आपको ये आसुस का ROG स्टिक्स। ये इंडिविजुअल की प्राइसिंग है, बाकी अगर आप बिल्ड में लेते हो आपको यहाँ पे और भी 1,000 से 1,500 रुपए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। और सुभाष भाई मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर है अभी बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मतलब बैंगलोर में कम है प्राइस यार, मुंबई में कम है और नेहरू प्लेस में ये क्यों नहीं है, मतलब क्या सीन है? देखो जो बैंगलोर के अंदर की प्राइसिंग है ना आपकी, बैंगलोर में क्या चल रहा है प्राइस में, लाइक ग्राफिक कार्ड में प्राइसिंग को नीचे करके अदर कंपोनेंट में वो लोग अपना जोड़ के देते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं होगा कभी भी। आपको जो प्राइसिंग मिलेगी उसके अंदर में ऑलमोस्ट सभी प्राइसिंग जो मैंने वीडियो में बताई उसी तरह की प्राइसिंग होती है यहाँ पे, और ये नहीं जो मतलब ग्राफिक कार्ड में मैंने प्राइस 5,000 रुपये नीचे किया बाकी चीज़ें में जोड़ दिया वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिक्स प्राइस, ऑलमोस्ट फिक्स प्राइसिंग होती है, और बल्कि मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल प्राइसिंग है। अगर आप बिल्ड में लेते हो तो थोड़ा कम होगा। हाँ, आप अगर आपको चेक करना है आप मेरे वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर जो प्रीबिल्ड है उसे चेक कर सकते हो, आपको प्राइस का डिफरेंस मिल जाएगा वहाँ पे, अच्छा खासा डिफरेंस होता है प्राइस के अंदर में। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बात करते हैं 3080 और 3080 TI के बारे में, तो उसके क्या प्राइस है? देखो जो 3080 में जो 10GB वाला है वो आपको अभी मिल जाएगा 87,000 रुपीज का। ठीक है, और इंडिविजुअल के अंदर में, और बिल्ड में आपको 85 का मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको 3080 में 12GB वेरिएंट चाहिए लाइक MSI में जो अच्छे मॉडल्स आते हैं वो आपको अप्रॉक्स अभी भी 99 के आसपास का मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे हम बात करते हैं 3090 के बारे में, तो 3090 के अभी क्या प्राइस है? 3090 में भी आपको जोटे का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा मेरे पास में, और वो मिलेगा आपको 1,75,000 रुपीज। 75 अलग अदर ब्रांड्स में भी ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग होगी, 1,000-2,000 रुपए डिफरेंस होगा ऊपर नीचे का। तो ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे NVIDIA के कार्ड थे जो उनके सभी के प्राइस कवर किए, तो अभी हम AMD पे आते हैं, तो AMD के प्राइस बताइए, मतलब जैसे 6500 XT हो गया। देखो AMD के अंदर 6500 XT आपको मिल जाएगा अभी, ये अपना 3 फैन का वेरिएंट है, ये आपको मिल जाएगा
21,700 रुपए का विद शिपिंग मिल जाएगा आपको थ्री फैन। हाँ, ये भी अपने पास वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से जाकर आप ले सकते हो। इसके अलावा लाइक डबल सी एक्सटी चाहिए आपको, ये MSI का, ये भी आपको मिल जाएगा लाइक 44,500 रुपीज के अंदर मिल जाएगा आपको विद शिपिंग। विद शिपिंग मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा लाइक किसी को 6700 एक्सटी चाहिए जो थ्री फैन का आता है वेरियंट, लाइक नाइट्रो आया था सफायर का, वो भी आपको मिल जाएगा 68,500 रुपीज का। इसके अलावा किसी को डुअल फैन में चाहिए आपको लाइक पावर कलर है, एजरो का, इन सब ब्रांड्स के अंदर में, उसमें आपको अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी। अभी आपको कोई 62-63 के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा जो इससे ऊपर ग्राफिक लाइक 6900 XT, वो भी अभी अवेलेबल है अपने पास में 1,08,000 रुपये से लेकर 1,10,000 के अलग अलग मॉडल्स में प्राइसिंग है। और जो हाई एंड वाला कार 6900 XT उसकी डिमांड है नहीं, तो वो भी स्टॉक में रखा नहीं है। बाकी प्राइसिंग बताऊँ आपको 1,30,000 के आसपास वो भी आपको मिल जाएगा। और सुभाष भाई, मतलब जैसे आपके पास में कोई PC बिल्ड कराता है और हमारा सब्सक्राइबर आता है, हमारा व्यूवर्स आता है, तो उसको कुछ मतलब डिस्काउंट वगैरह ऑफर वगैरह भी कुछ दिया जाता है क्या? हाँ, अभी आप कोई भी मेरे पास अगर बिल्ड लेते हैं सुंदर में, उसमें आपको एक जो H707 आपका एंटीस्पोर्ट का माउस, एंटीस्पोर्ट का जो अपना हेडसेट है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है वहाँ पे। और इसके अलावा ग्राफिक कार्ड के ऊपर में आपको बहुत ही अच्छी प्राइसिंग मिलती है बिल्ड्स के ऊपर में। और अभी हमारी जो कस्टम बिल्ड्स वाला सेक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप वहाँ से अपना PC ऑर्डर करते हो और वहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी और भी अदर फैसिलिटी मैं PC बिल्ड के ऊपर में देने वाला हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारे कार्ड रह गए जैसे क्वाड्रो सीरीज है, तो क्वाड्रो सीरीज भी आज आपके पास में अवेलेबल है क्या? क्वाड्रो में सिर्फ अभी मेरे पास T400 है, वो अभी आपको मिल जाएगा 12,800 रुपए का। और जो T600 ये सब ग्राफिक अभी नहीं आ रहे हैं मेरे पास, इसमें क्वाड्रो के अंदर में RTX 4000 मिल जाएगा आपको, ये 64,000 रुपए का मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी को A2000 चाहिए या फिर A4000 चाहिए, RTX A4000, वो चीजें मिल जाएंगी आप, और उसकी प्राइसिंग आप चेक करनी है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ठीक है सुभाष भाई, हमने यहाँ पर सभी ग्राफिक कार्ड कवर किए, पर इनके अलावा आपके स्टोर पे क्या क्या चीजें मिल जाती है, किन किन चीजों में आप डील करते हो? आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये तो ग्राफिक कार्ड है। इसके अलावा आपको डिफरेंट पावर सप्लाईज मिल जाएंगे, और हमने वहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर में माइनिंग का एक अलग ही सेक्शन बना दिया। वहाँ पे आपको माइनिंग के बोर्ड्स मिल जाएंगे, माइनिंग के ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे, प्री बिल्ड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो गेमिंग के का सेक्शन है वहाँ पे आपको आसूस का लाइक बहुत सारे मदरबोर्ड्स हैं यहाँ पे, आसूस में ROG चाहिए या फिर आपको टफ चाहिए, प्राइम चाहिए, कोई भी मॉडल चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एनजेएसटी के लिक्विड कूलर्स हैं, एयर कूलर कोई भी चाहिए आपको, ऑलमोस्ट सारी चीजें PC से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलने वाली है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और कैबिनेट दिख रहे हैं मेरे को ये, तो इनकी प्राइस मतलब क्या, एक बार मेरे को बता सकते हो? मतलब देखो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? देखो जो कैबिनेट की स्टार्टिंग प्राइस है, अगर आप RGB में जाते हो, जो कि अच्छे एयर प्लग साथ में आते हैं, वो आपको 3,000 प्लस में मिलते हैं। और अप टू मेरे पास 46,000 तक के वहाँ पे लाइक कॉर्सर का 1000D भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे टोटल 62 से 64 टाइप्स के अभी वहाँ पे कैबिनेट्स हमने मेंशन किए हुए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो स्टोर का एड्रेस है, नंबर है, मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वेबसाइट का जो एड्रेस है मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।